नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि अब तक टेस्ट सीरीज के लिए खूब सारे टेस्ट पेपर आपके लिए डाल चुके हैं, अभी एक टेस्ट पेपर जो हमने आज डाला है उसमें कुछ एक त्रुटियां रही हैं, उनके लिए समार्थी हैं और कोशिश करता हूँ कि जितनी भी बातें डाली जाएँ वो सारी सही डाली जाएँ। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक आदमी जो होता है वो दिन भर खूब सारा वर्क करे और वर्क के दौरान क्या होता है कि कई बार उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, तो गलतियाँ स्वाभाविक हैं। इन गलतियों से आप थोड़ा सा अपने आप को सही कीजिए। साथ ही मैंने उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दोस्तों मेरे द्वारा आज एक नया किया जा रहा है कि बहुत सारे साथियों का सुझाव था कि सर आप है ना, फिलहाल जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय संघ हैं उन पुस्तकालय संघों के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी पहला अध्यक्ष कौन है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनकी आप हमें थोड़ी चर्चा कीजिए या बताइए। तो आज मैं आपके सामने जो वर्तमान में जो भारत में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय संघ हैं या विश्व में जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय संघ हैं उनके अध्यक्षों के अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। सो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रिपल आर एल एफ की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रिपल आर एल एफ की। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी सबसे पहले तो इसका पूरा नाम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं, वही पहले अपन वीडियो डाला है कि 22 मई को स्थापना की गई थी इसकी, 22 मई 1972 को स्थापना की गई थी। बात करेंगे दोस्तों खाली अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, तो यहाँ से अपन सीधा सीधा प्रश्न बना देंगे दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष में भी अपन बात करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष यानी ट्रिपल आर एल एफ का प्रथम अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थी, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो इसके थे डॉक्टर डी पी बरुआ, यानी प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे कौन, डॉक्टर डी पी बरुआ क्या थे इसके, डी पी बरुआ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यानी सबसे पहले तो आप बात कर लो कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे डी पी बरुआ। बात करेंगे दोस्तों इसमें इस डी पी बरुआ की महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे अपन ने पहले बात की है कि नेपलिस को बनाने में डी पी बरुआ की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इसके वर्तमान अध्यक्ष की, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, तो वर्तमान अध्यक्ष की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर रविंद्र सिंह जो है वो क्या है भाई, ट्रिपल आर एल एफ के यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के क्या है भाई, वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप बात कर लेंगे दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, श्री रविंद्र सिंह है ना, यानी श्री रविंद्र सिंह जो है वो वर्तमान में क्या है इसके अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो आप बात कर लीजिएगा ये ट्रिपल आर एल एफ के क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि यहाँ पर जनरल डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, जनरल डायरेक्टर कौन है, यानी यहाँ पर जनरल डायरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ एक नाम लिखा रहेगा डायरेक्टर जनरल, तो डायरेक्टर जनरल में भी दोस्तों आप बात याद रखेंगे डायरेक्टर जनरल जो है वो वर्तमान में ट्रिपल आर एल एफ का जनरल डायरेक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से सीधा सा उत्तर आ जाएगा यानी अरुण कुमार चक्रवर्ती जो है दोस्तों वो इस संघ के क्या है भाई, वर्तमान में जनरल डायरेक्टर पद पर क्या है स्थापित हैं, यानी इस जनरल डायरेक्टर पद पर कौन विराजमान है, तो आप वहाँ से सीधा याद रख लेंगे अरुण कुमार चक्रवर्ती। ऐसे दोस्तों एक दो छोटी छोटी बातें पूछ जा सकती है कि इस संघ का रजिस्ट्रेशन जो है वो वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत क्या है इसका भाई रजिस्ट्रेशन किया गया है। पूर्व में बात कर चुके हैं इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है, और छोटी छोटी बातें दो चार जो ग्रंथ थाना इनके अपन पहले कर चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों अपना अगला संघ, और अगले संघ में अपन जोड़ लेंगे दोस्तों आईएलए को, तो यहाँ से अपना दूसरा जो है वो बन जाएगा आईएलए की दोस्तों बात कर लेते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कई चर्चा अपन ने की है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना के लिए 12 सितंबर को कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 13 सितंबर सन 1933 को इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। यानी 13 सितंबर सन 1933 को इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। बहुत सारी किताबों में दोस्तों इसमें बहुत से चेंजेबल मिलेंगे कि इसका प्रथम अध्यक्ष तो कई कुछ किताबों लिखा रहेगा कि एसी वुलनर इसके क्या है, प्रथम अध्यक्ष है। अपने वो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर एसी वुलनर जो है वो तो इस समय क्या थे भाई, वो तो इस समय अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे भाई, एसी वुलनर थे। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे दोस्तों प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष थे एम ओ थॉमस इस संघ के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों अपने इसके वर्तमान अध्यक्ष, यानी इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष की भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है वी डी कुंभार क्या है, इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करेंगे दोस्तों इसी आईएलए में अपन एक दो छोटी छोटी बातें करेंगे, इसका प्रथम सचिव, इस संघ का प्रथम सचिव, तो इस संघ का जो प्रथम सचिव था दोस्तों वो थे, प्रथम सचिव जो थे वो थे के एम असदुल्ला खां जो थे वो इस संघ के क्या थे भाई, प्रथम सचिव थे। यानी इस संघ के प्रथम सचिव कौन है, तो के एम असदुल्ला खां। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आया हुआ है पहले एग्जाम में कि भारत में के एम असदुल्ला खां की भूमिका, तो बात कर लेते हैं आईएलए को बनाने में भूमिका थी, साथ ही भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन क्या करते हैं, के एम असदुल्ला खां करते हैं। यहाँ से दोस्तों बात करेंगे इसमें एक और नया रूप बन जाएगा, यहाँ से एक वर्षन बन सकता है इसका, वर्तमान सचिव कौन है, वर्तमान सचिव इस संघ के कौन है, तो आप वर्तमान सचिव की दोस्तों बात करेंगे ओ एन चौबे इस संघ के क्या है भाई, वर्तमान सचिव है। यानी ओ एन चौबे इस संघ के क्या है, वर्तमान सचिव है। बात करेंगे दोस्तों अपना अगला संघ, और अगले संघ में भी अपन लेंगे, तो अपन अगले संघ में ले लेंगे दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यानी अपना अगला संघ बनेगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ बना हुआ है, तो वो अपन ने पहले बात किया है कि इसका मुख्यालय वर्तमान में बेलवेडियर हॉल कलकत्ता में स्थित है। बात करेंगे दोस्तों इसके, इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनकी भी यहाँ चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इस भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष की, तो वो थे बी.एस. केशवन। दोस्तों बी.एस. केशवन की अपन ने पहले भी बात की है कि बी.एस. केशवन को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भी क्या है इनको कहा जाता है। तो इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई, बी.एस. केशवन है। बात करेंगे दोस्तों इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो यहाँ पर देखो खूब सारी जगह लिखा हुआ मिलेगा कि ये, पहली बात तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या करता है। साथ ही दोस्तों यहाँ से बात करेंगे अपन इस संघ का जो वर्तमान अध्यक्ष है, यानी वर्तमान जो अध्यक्ष है वहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष के साथ में इसमें एक नया नाम जोड़ दिया गया, वर्तमान अध्यक्ष के साथ में यहाँ पर नाम जोड़ दिया गया, अध्यक्ष का नाम यहाँ पर जोड़ के निर्देशक कर दिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया भाई, निर्देशक कर दिया गया। और बात करेंगे दोस्तों निर्देशक के पद पर इस समय कौन है, तो निर्देशक के पद पर कौन है भाई, अरुण कुमार चक्रवर्ती इस भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या है, वर्तमान निर्देशक पद पर क्या है, कार्यरत है। बात करें दोस्तों अपना अगला संघ अपन बनाए, तो दोस्तों बन जाएगा अपना यूनेस्को। अगला संघ जो बनेगा अपना वो बनेगा यूनेस्को, और यूनेस्को की दोस्तों अपन यहाँ से चर्चा कर देते हैं। यूनेस्को की बात करें तो वही सबसे पहले पूरा नाम कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल
एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक 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 कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे दोस्तों। इसकी सबसे पहले इसकी स्थापना तो अपन पूर्व में जानकारी कर चुके हैं, 4 नवंबर सन 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 नवंबर सन 1946 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई यूएनओ की धारा, यूएनओ की धारा, यूएनओ की धारा 57, 57 के तहत, यूएनओ की धारा 57 के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बात करेंगे दोस्तों इसकी इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो जूलियन हक्साले, जूलियन जूलियन हक्साले, जूलियन हक्साले इसके क्या है भाई, हक्साले जो है वो इस संघ के क्या है भाई, अध्यक्ष रहे हैं। ये जूलियन हक्साले की दोस्तों बात करें, ये कब से अध्यक्ष रहे, तो ये रहे 1946 से 1946 से 1948 तक क्या रहे, इस संघ के अध्यक्ष पद पर रहे। बात करेंगे दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे जूलियन हक्साले, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, यानी ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन के क्या थे भाई, ये रहने वाले थे। बात करेंगे दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान इसमें अध्यक्ष पद पर कौन है, तो आप ये समझो इसकी वर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्ष या इसकी अध्यक्षा कौन है, तो आप याद रखेंगे वर्तमान इसके अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षा जो है वो एक महिला है जिनका नाम आंद्रे आंद्रे अजोले है, आंद्रे अजोले है। ये आंद्रे अजोले की भी दोस्तों बात कर लेते हैं, आंद्रे अजोले जो है वो सन 2017 से इस पद पर है, 17 से इस पद पर क्या है भाई नियुक्त है। बात करते हैं दोस्तों आंद्रे अजोले कहाँ की रहने वाली है, तो आंद्रे अजोले जो है वो फ्रांस की रहने वाली है, यानी फ्रांस की रहने वाली एक महिला जिसका नाम आंद्रे अजोले है, वो क्या है वर्तमान में इस संघ के अध्यक्ष पद पर क्या है नियुक्त है। कहाँ की रहने वाली है, तो वो फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस की एक पूर्व मंत्री, फ्रांस की एक पूर्व मंत्री कौन है भाई, आंद्रे अजोले है। बात करेंगे दोस्तों अपना आगे वाला संघ, तो अपना आगे वाला संघ बात करेंगे दोस्तों अपना अगला संघ, तो अपना अगला संघ जो बनेगा वो बन जाएगा इफ्ला। बात करेंगे दोस्तों इफ्ला की, सबसे पहले इफ्ला इफ्ला की भी बात करेंगे जो अपने सिलेबस में है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इफ्ला का पूरा नाम, तो इफ्ला का पूरा नाम सबसे पहले बात करें तो वो है इंटरनेशनल 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 फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या है इसका पूरा नाम है। बात करेंगे दोस्तों पूर्व में अपन ने बात जानकारी कर दी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अपन पहले बात कर चुके हैं इसकी स्थापना 30 सितंबर सन 1927 को, 30 सितंबर सन 1927 को इसकी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी क्या की गई थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष, इस संघ के प्रथम अध्यक्ष यानी इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपन सीधा सा याद रखेंगे यहाँ पर कि इस संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो दोस्तों बात याद रखनी है इस संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आइजक कुलीजन थे, आइजक कुलीजन, आइजक कुलीजन, आइजक कुलीजन जो थे वो इस संघ के क्या थे भाई, प्रथम अध्यक्ष थे। बात करेंगे दोस्तों इस संघ के प्रथम अध्यक्ष आइजक कुलीजन, और बात कर लेते हैं आइजक कुलीजन के अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर की अपन बात करें दोस्तों, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष जो है उसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, उनका नाम है क्रिश्चियन क्रिश्चियन मेनेजी, क्रिश्चियन मेनेजी, क्रिश्चियन मैकेंजी, सॉरी क्रिश्चियन मैकेंजी क्या है इस संघ के वर्तमान क्या है भाई, अध्यक्ष पद पर है। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा अपना, यहाँ पर प्रश्न बनेगा सामान्य सचिव यानी जनरल
डायरेक्टर, तो जनरल डायरेक्टर की भी दोस्तों बात करेंगे, तो यहाँ पर एक आदमी का नाम बन जाएगा गेराल्ड लेटनर, गेराल्ड लेटनर, गेराल्ड लेटनर क्या है इस संघ के वर्तमान सचिव पद पर क्या है भाई नियुक्त हैं। बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ भी, यहाँ संघ सचिव की, तो सचिव अपन याद रखें गेराल्ड लेटनर क्या है इस संघ के प्रथम सचिव, सॉरी वर्तमान क्या है भाई सचिव पद पर नियुक्त है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ से एक और छोटा सा संघ, और छोटा से संघ में अपन बात करेंगे, जिस संघ की बात करेंगे वो है दोस्तों ALA, बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हालांकि दोस्तों ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कई बार अगर ये पूछा जाए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 5 मिनट का अपना कार्य होगा, इस 5 मिनट के कार्य में आप आसानी से इसको पता लगा लेंगे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी सबसे पहले इसकी स्थापना तो अपन पहले पूर्व में जानकारी किए हैं देखो, कि इसकी स्थापना जो है वो 6 अक्टूबर 1876 को, 6 अक्टूबर 1876 यानी 6 अक्टूबर 1876 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव की, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष में दोस्तों बात करेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो तो थे जस्टिन विंसर, प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो तो थे कौन भाई, जस्टिन विंसर। और जस्टिन विंसर के अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं प्रथम सचिव की, प्रथम सचिव की, तो जस्टिन विंसर और प्रथम सचिव की बात करें दोस्तों, तो प्रथम सचिव जो थे वो मेलविन डेवी थे, प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे भाई, मेलविन मेलविन डेवी थे, मेलविन डेवी इसके क्या रहे संस्थापक सचिव रहे। बात कर लेंगे दोस्तों इसके प्रथम सचिव मेलविन डेवी की, तो यहाँ मेलविन डेवी से भी थोड़ी सी दो तीन बातें अपन क्या रखेंगे याद रखेंगे, मेलविन डेवी से आप याद रखेंगे कि मेलविन डेवी जो है वो सन 1890 से लेकर 1893 तक, 1890 से लेकर 1893 तक इस संघ के राय क्या रहे भाई, इस संघ के अध्यक्ष पद पर, इस संघ के क्या रहे अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ से अपन इसमें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, यानी वर्तमान अध्यक्ष पद पर कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों यहाँ से एक दो प्रश्न आ जाए, वर्तमान अध्यक्ष सन 2018 पूछे यहाँ पर, तो सन 2018 से तो आप याद रखना जेम्स नील को, जेम्स नील, और जेम्स नील के अलावा दोस्तों बात करें इसकी वर्तमान की, यानी वर्तमान में यानी 2018 में बात करें तब तो है ये, और वर्तमान की दोस्तों बात करें तो वर्तमान में है ये लुईदा लुईदा गार्सिया फेब्बो, लुईदा गार्सिया फेब्बो इसके क्या हैं भाई, इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष पद पर हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वर्तमान सचिव, जिनको वर्तमान सचिव ने नाम देकर इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम दिया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, दोस्तों बात करें तो इस संघ के वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो मेरी गिकास क्या है, इसे संघ के वर्तमान मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है, मेरी गिकास है दोस्तों। यहाँ से जैसे यहाँ मेलविन डेवी का अपने संदर्भ शामिल किया, ऐसा संदर्भ भी अपना आ सकता है SR रंगानाथन का, डॉक्टर SR रंगानाथन के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों, SR रंगानाथन यानी SR रंगानाथन के बारे में पूछा जा सकता है कि SR रंगानाथन जो है दोस्तों, SR रंगानाथन जो है वो ILA के अध्यक्ष पद पर, ILA के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त रहे, तो अपन यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों, ILA के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर SR रंगानाथन जो है वो सन 1944 से सन 1953 तक, यानी 44 से सन 1953 तक रंगानाथन क्या रहे थे, ILA के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त रहे थे दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अध्यक्ष पद पर तो ये रहे ही, साथ ही साथ एक पूछा जाएगा कि डॉक्टर SR रंगानाथन जो है वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ में रहे, तो वहाँ भी आप याद रखेंगे डॉक्टर SR रंगानाथन जो है वो उपाध्यक्ष रहे, किस संघ के उपाध्यक्ष रहे, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, वो फीड के उपाध्यक्ष रहे थे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ से, जैसे अभी दोस्तों के सुझाव आ रहे हैं कि ना आप वीडियो नहीं बना रहे, तो कल शाम तक यानी लगभग 17 तारीख तक, 17 दिसंबर शाम तक हम लोग वीडियो डालेंगे दोबारा से, जिसमें आपको डॉक्टर SR रंगानाथन का जीवन परिचय, साथ ही मेलविन डेवी का जीवन परिचय, और जो भी अपने जो इनमें से एग्जाम में जो प्रश्न आने हैं, जैसे इनकी पुस्तकें क्या हैं, साथ ही इनकी पुस्तकों में कौन सी पुस्तक में किसका स्वरूप था, ये सारी बातें हम एक दो दिन में यानी आने वाली 17 तारीख शाम को तक क्या कर देंगे, डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि एक साथ जो आपको यहाँ बताया बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और आपको एक साथ
जो जितने भी संघ है, जैसे मान लो 6 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जो भी हैं, उन सबका एक साथ यहाँ पर विवरण मिल रहा है। हमारे द्वारा कोशिश यही की जाती है कि आप अच्छे से अच्छा मटेरियल सीखें। कुछ एक त्रुटियाँ मानवीय भूल है दोस्तों, जिनमें आने वाले टाइम में ज़रूर सुधार होगा। साथ ही मैंने यहाँ पर बता दिया है पहले भी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, तो कोई भी त्रुटि जहाँ होती है वहाँ पर आप अपने सुझाव, अपने विचार क्या हैं जो प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा ही कोई शानदार सा प्रयास होगा हमारे द्वारा, जो कि आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।